मेरे ब्लॉग में आज आपने देखा होगा दैट वी वर सेलिब्रेटिंग माय मदर इन लॉज बर्थडे. हमने उनके लिए हम सब ने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करा था जहाँ पे हमने खुद ने अपने हाथों से डेकोरेट करा था थोड़ा बहुत. पहले हमने और भी गेस्ट को बुलाया हुआ था फॉर अ लिटिल सरप्राइज, बट थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया, वरना हम पहले डेकोरेटर बुला रहे थे. सो अब ऐसे फैमिली मोमेंट्स में ये होता है कि हम मतलब वो मोमेंट लिव करने में लग जाते हैं, यू नो. और अब तो छोटे छोटे बेबीज भी हैं, तो बहुत बार इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना कंटेंट उस टाइम पे बनाना और कुछ भी रिकॉर्ड करना. सो अब इट्स अ प्रैक्टिस. आई एम स्टिल गेटिंग बेटर एट दिस. मे बी आगे एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. सो यस, अभी मैं जा रही हूँ जिम और शाम के बज रहे हैं 6. आज लेट हो गया बिकॉज सुकर्ण वॉज वर्किंग अ लिटिल लेट, और उसके बाद पहले वो जिम गया और फिर उसके बाद अब मैं जिम जा रही हूँ. तो मैं आज सुकर्ण से ही पूछ रही थी कि मैं अपनी वर्कआउट स्प्लिट किस तरह से करूँ, क्योंकि बहुत बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. और मैं बहुत बार जिम में जा के अपना कार्डियो करने के बाद सोचती हूँ कि मुझे क्या वर्कआउट करना है. यस, उसने थोड़ा बहुत आइडिया दिया, बट आई ऑल्सो वॉन्ट मेक श्योर दैट द वर्कआउट्स आर क्विक एंड लाइक आई कैन नॉट डू 3 बॉडी पार्ट्स अ डे. जैसे पुश पुल लेग वाला मेरे लिए नहीं चलेगा. मैं तो लेग्स को भी 2 दिन में स्प्लिट करती हूँ, बिकॉज लेग्स करने में हमें टाइम ऑब्वियसली लगता ही है, तो इसलिए मैं लेग्स को भी सो दिस व्लॉग हैज़ प्रोबेबली कम आउट इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं अपलोड कर रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई कंटेंट था नहीं शूट करने को. आई वॉज मोस्टली एट होम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ज़ीज़ी ज़ेनी एंड या दैट्स इट. सो आई जस्ट डोंट वांट टू शूट फॉर द हेक ऑफ शूटिंग, कि कुछ तो शूट करना है. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट विच इज़ गोइंग अप इज़ गुड. सो एज ऑफ नाउ आई एम आउट फॉर वॉक. My baby boy come for the walk. It's this beautiful park that's just outside our apartment. It's beautiful, it's huge, it connects so many other buildings, and I think one round of this whole park should be somewhere around 3 kilometers or so. I'm not sure, but I think 3 kilometers or so. So I've just come here for walk and he's so curious just looking around aur greenery dekh raha hai itni zyada aur sky dekhta hai. So now he's sleepy. Oh. So I'm very fond of watching coffee with Karan. I'm sure bahut log honge kyunki mere to bachpan se aa raha hai. I think ever since I was in grade 3 or 4 I have been watching coffee with Karan. एंड आज का मैंने एपिसोड देखा करीना कपूर एंड आमिर खान का. कंपेयर टू ऑल अदर एपिसोड दिस वॉज वेरी बोरिंग, द मोस्ट बोरिंग रैपिड फायर राउंड इन द हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी विद करण. एंड इससे थोड़ा कम बोरिंग वॉज जानवी एंड सारा, बिकॉज आई थिंक बिकॉज दे वर लिटिल पेपी एंड दैट्स ऑल, पर उनका भी मुझे बहुत डंप लगा एपिसोड. बट अदर देन दैट अनन्या पांडे एंड विजय देवरको एंड आलिया एंड रणवीर वॉज टू द बेस्ट. And other episodes, even Akshay Kumar's episode was really nice. So I look forward to all Thursdays to watch a new episode. So मज़ा आता है, it's just fun and सही time pass. हम जब भी public place में आते हैं, अब क्या करते हो? क्या करते हो तुम? ओए, पूपी पूपी करते हो? तुम तो मेरे पूपर बहन हो. तो अभी क्लीनिंग चल रही है,
इसी क्लीनिंग के बाद बात करते हैं। I just met my brother for a very chill evening कल, और फिर उसके बाद मैं मम्मा के यहाँ भी गई as usual. My baby has this funny और बेइज्जती कराने वाली habit of pooping if at all we visit some good place like a cafe or a restaurant or whatever. ये पिछली 3 बार से ऐसे कर रहा है, घर में कोई हिसाब किताब ही नहीं है. सो यस सर, अब मैं जिम आई हूँ. इन केस यू आर वंडरिंग, आजकल मेरा बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो रहा. आई मीन आई ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट टू वर्कआउट एटलीस्ट 5 days a week, पर वो 4 हो जाता है. ओह माय गॉड, ये अनुज कपाड़िया की तरह मेरा चश्मा नीचे खिसक रहा है. सो आई विल सी यू लेटर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर हेडेड टू मोथल, दिश पेंडा एंड मी एंड दिश पेंडाज डैडा. ये उसको मच्छर ने काट लिया. तो हम अभी जा रहे हैं मोथल टू हैव सम पराठा. मेरा आज फिर जिम मिस हो गया. बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है जिम मिस करने में. और अगर टाइम मिला तो शाम को कर लेंगे जिम. सो अभी जा रहे हैं मोथल. विल मीट अ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड विल सी यू देयर. राइट फ्रेंड, ये देखो बिहाइंड द कैमरा. हे गाइस, एक्सेंट चेंज हो जाता है इनका. ज़ेनो, वी फाइनली रीच रेनी. वी फाइनली रीच अमृत द ढाबा, और अब हम वेट कर रहे हैं अपने कुछ फ्रेंड्स का. आओ ना सीट लेते हैं. चलो मैं सीट देखूं. हाँ देखो, यू कैरी हिम एंड आई विल कैरी द स्टफ और व्हाटएवर यू वांट. कैसे से गाने चल रहे हैं यार यहाँ पे, ये अजीब से. नेवर एंडिंग वेट फॉर फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से सीट मिली है यहाँ पे, और अभी भी हम चेयर लगवा रहे हैं. ये बाहर रख दो उसको, ऊपर कुछ ना के ले जाए. पराठे हमने खा लिए, 1.5 पराठा आई हैड, सो गुड. बच्चा अंदर सुल जाएगा, क्या हो गया मेरे साथ. मैं कह रहा था मैं अब हम ढूंढ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कार का स्टेशन, क्योंकि हमें यहाँ से भी आगे जीके भी जाना है. थोड़ी सी शॉपिंग करनी है राखी की, और बस उसके बाद हम जाएंगे घर. बट वी नीड टू चार्ज द कार फॉर दैट. ये तिगड़ी है हमारी. बहुत ढूंढने के बाद आसपास हमें एक चार्जिंग पोर्ट मिला है. वी जस्ट हैव टू फिगर आउट विच पोर्ट इज आर. देयर आर 3 चार्जर्स हियर. सो यस, ये हम आज इलेक्ट्रिक कार लेकर आए हैं, और क्योंकि आज रास्ता थोड़ा लंबा है. वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टुडे. लॉन्ग जर्नी एज इन NCR दिल्ली टाइप सी है, बट स्टिल बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड. नाउ सुकर्ण इज फिगरिंग आउट विच वन इज आर चार्जर. 3 तरह के हैं चार्जर्स यहाँ पे, तो अभी बस वही वो कन्फर्म कर रहा है. थैंकफुली ही स्लीपिंग. और बहुत गर्मी लग रही है, गाड़ी ऑफ करके चला गया वो. सो एंड आई ओके, आई थिंक फैन ऑन है इसी का. 2 घंटे से ढूंढने के बाद अब हमें चार्जिंग पॉइंट मिला है. एक्चुअली चार्जिंग पॉइंट नहीं, इट्स एन MG शोरूम. मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि लोगों को अजीब लगे. ये बाप बेटे दोनों घूम रहे हैं. सो वी हैड नो अदर ऑप्शन एंड दे अलाउड अस टू चार्ज आवर कार हियर, क्योंकि MG की भी एक इलेक्ट्रिक कार है, तो उनके पास सेम चार्जर था. वहाँ पे तो चार्जिंग हो नहीं पाई जहाँ पे हम पहले हमने स्टॉप लिया था, उनका चार्जर ही नहीं चल रहा था. सो फाइन,
फाइनली वी आर हियर. थोड़ा रिलीफ मिला हमें, एसी वेसी सब ऑफ करना पड़ रहा था. हैप्पी टू बी हियर. तुम्हारा कैसा रहा इलेक्ट्रिक कार के साथ एक्सपीरियंस? वेरी नाइस. हाफ चार्ज, वेरी नाइस. काफ़ी मज़ा आया है. किस चीज़ में? ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में या चार्जर ढूंढने में बहुत मज़ा आया है ना? मुझे तो काफ़ी मज़ा आया. क्या बोलूँ, देख रहे हैं आप टाइम पास करने आए हो लौंडा लपाड़िया. ये लौंडा लपाड़िया. सो उस दिन के बाद से मैं अब शूट कर रही हूँ. मतलब बेसिकली कल यही हुआ कि हम एक घंटा एमजी के शोरूम में बैठे रहे और तब भी सिर्फ 5% ही चार्ज हुए, 5-7%. फिर हमने आधा घंटा और वेट किया ताकि 15% से 24% आ जाए एंड वी कैन एक्चुअली हेड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस जहाँ से ऑलरेडी हमारे यहाँ चार्ज करते हैं कार को. सो वी मैनेज टू गो टू सी पी. थोड़ा कार चार्ज किया, उनका फास्ट चार्जर नहीं था एमजी में तो इसलिए स्लो चार्जिंग में. फास्ट चार्जर में आपकी 1 आवर में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है. तो ये था हमारा एक्सपीरियंस. बहुत एडवेंचरस दिन था. चार्जर ढूंढते ढूंढते हमें लग भी नहीं रहा था, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे. मेरी शॉपिंग तो हो ही नहीं पाई, बट इट वॉज़ ओवरऑल अ वेरी गुड डे. हैड अ लॉट ऑफ फन. कुछ अलग सा दिन था. एंड राइट नाउ आई एम वेरी टायर्ड. आई हैव बीन ट्राइंग टू पुट हिम टू स्लीप. एक घंटे से अब जाके सोया है तो मैं थोड़ी देर में अपना लंच करूँगी और थोड़ा चिल करूँगी एंड फिर देखो कैसे दिन जाता है. आई थिंक आई एम मीटिंग फ्यू माई कलीग्स और लाइक आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैवन मेट देम इन 7-8 months. सो 7-8 क्या, मेरी लीव को भी 6 months भी नहीं हुआ. सो 6 months आई हैवन मेट देम. सो आई एम गोइंग टू मीट देम एंड आई वुड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.